हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं हमारा अप्पू जब अकेला रहता है तो वो क्या क्या करता है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, जब से हमारे अम्मू के बेबीज हुए हैं वो अप्पू के साथ रहना बंद कर दिया है, इसलिए अप्पू एक कमरे में अकेला रहता है। तो दोस्तों आपको ये बात पता है कि अप्पू इस कमरे में बंद क्या क्या करता है? तो चलिए हम लोग आपको बता देते हैं। तो दोस्तों हमारा अप्पू अंधेरी जगह पर रहना ज़्यादातर करके पसंद करता है, जैसे बेड के नीचे, और ये अभी वहीं जा रहा है, और ये गाजर कम खाना पसंद करता है, और हमारा अप्पू अपने आप को ज़्यादा साफ रखना पसंद किया करता है। और दोस्तों अम्मू ऐसा ज़्यादातर नहीं किया करती। और दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि अम्मू अप्पू से ज़्यादा पतली है, और हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पहचानते हैं। और आप अम्मू के सर पर ये देख रहे हैं, इसी की वजह से हम इसको आसानी से पहचान लेते हैं। और दोस्तों जब हमारी अम्मू कहीं भी जाती है तो अपना सर हिलाने लगती हैं, क्योंकि उसे डर लगता है कि उधर खतरा है। ऐसा करने की वजह से अम्मू आने वाले खतरे को पहचान लेती है। अप्पू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, और जब भी ऐसे चला जाता है एक जगह आता है और ये फंस जाता है। अरे मैं अप्पू हूँ, अप्पू, मैं हमेशा कूल रहता हूँ। अरे तभी तो तुम फंसते रहते हो। और देखा दोस्तों इन दोनों का स्वभाव कितना अलग अलग है। पहले ये झूल मिलकर रहा करते थे, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अब दोनों अलग अलग रहा करने लगे हैं। अरे पुराने जमाने की बात भूल जाओ। और ये बोर ना होने के लिए दिन में एक घंटा अम्मू के बेबीज के साथ खेल लेता है। अरे मैं तो उसी से खुश हूँ। और हमारे अम्मू के बेबीज भी इसके साथ खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और दोस्तों ये उस पल का इंतजार करते हैं, और तब तक अप्पू भी उनका इंतजार करता है। और दोस्तों ऐसे रहते रहते अप्पू को भी उस कमरे में रहना पसंद आने लगा है। तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो आपके या आपके मोबाइल का कुछ नहीं जाने वाला, बल्कि हमारा हौसला बढ़ेगा और ऐसे ही वीडियोस आप तक जल्दी जल्दी पहुंचते रहेंगे।